4,05,000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की। मांग है राघोपुर में मेडिकल कॉलेज की। मांग है डिग्री कॉलेज की। सवाल पूछती ये तस्वीर है राघोपुर की और सवाल के घेरे में है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लंबे समय बाद अपने कर्म क्षेत्र राघोपुर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को वहां के लोगों ने विकास वाला आईना दिखा दिया। पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी भी दे दें। विस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज है, उससे जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट क्या बदल दी जाएगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोमो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब खबर पर चलते हैं। जैसी तेजस्वी की गाड़ी राघोपुर पहुंची, वहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और तेजस्वी से गांव के विकास के लिए गुहार लगाने लगे लोग। यहां तक कि तेजस्वी को उनकी ही बातें याद दिलाकर शर्मसार कर दिया। इन लोगों की क्या है मांगे? कुछ ज्यादा तो नहीं है? यातायात के लिए सड़क, पढ़ने के लिए कॉलेज, हाँ। लेकिन इन तमाम मांगों के लिए ये महज चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि गांव की तकदीर और तस्वीर का मुद्दा है। और सीटें का बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए। यानी कि 7 साल में तेजस्वी जी यहाँ के विधायक रहे, विकास के नाम पर क्या है? विकास के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज आज तक नहीं है। लेकिन समस्याओं का अंबार लिए क्षेत्र की जनता के सवालों ने तेजस्वी को भड़का दिया और तेजस्वी यादव आपा खो बैठे। राघोपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बिदुपुर में मिला कि नहीं मिला? ऐसे में तेजस्वी यादव से कई सवाल हैं। सवाल है कि 4,05,000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक क्यों नहीं? राघोपुर में मेडिकल कॉलेज के दावों का क्या हुआ? राघोपुर में डिग्री कॉलेज के वादे का क्या हुआ? सड़क देने के सवाल पर गुस्साते क्यों है सरकार? तेजस्वी, मेरा सवाल आपसे है, इन लोगों का सवाल आपसे है। हक की बात करेंगे तो डांटेंगे, सड़क बनवाने की बात करेंगे तो डांटेंगे, पढ़ने की बात करेंगे तो डांटेंगे, वोट देने वालों को ऐसी चोट क्यों बर्दाश्त नहीं है? नमस्कार।